फॉर मीन वैल्यू, ठीक है। टेन कितना होता है आपके केस में, टी बाई टू फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, सबसे पहले आप टाइम के तरीके से चलते हो, कैपिटल टी लेके चलते हो, ठीक है। तो चार्ज तो आप ले नहीं सकते क्योंकि आधी बार चार्ज जाएगा, आधे टाइम में चार्ज वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड इन डीसी टू प्रोड्यूस सेम हीट एज इट इज बींग प्रोड्यूस्ड बाय एसी इन इट्स वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। बहुत आसान है। अब आपको बताएं कि आपके पास जो हीट का फॉर्मूला होता है डीएच, वो होता है आपके पास आई स्क्वायर आर टी। आपने थोड़ी देर पहले सीखा था कि जो आई का फॉर्मूला है वो है आपके पास आई नॉट साइन ओमेगा टी, पे से ड्राइव करके आए थे ई के लिए ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी उसका क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, साथ में कितना आपके पास में आर टी, टी की जगह पर आप क्या ले देते हो डी टी, टी की जगह पर क्या ले देते हो आप डी टी। अब आपके पास में डी एच इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर, और कितना होगा डी टी। तो डी एच जो होगा आपका वो होगा आपके पास आई नॉट का स्क्वायर आर, ये होगा आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये कितना होगा डी टी होगा। अब आपके पास डी एच इज इक्वल टू ये है आपके पास आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू, और साथ में कितना होगा डी टी होगा। अब आपके पास में जो डी एच है ये होगा आपके पास आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में कितना होगा टू, ये होगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी, और ये कितना होगा आपके पास डी टी होगा, ठीक है जी। अब अगर आप इसकी ब्राकेट खोल दो तो डी एच जो है आपके पास वो है आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में टू वन डी टी, ठीक है। माइनस में कितना आपके पास आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में टू इंटीग्रेशन में कितना होगा आपके पास कॉस टू ओमेगा टी डी टी, और जीरो से लेकर कहा था कि आपके पास में टी तक, आपके पास इसमें भी कहा था कि जीरो से लेकर टी तक। आपको इंटीग्रेशन करके नहीं दिखाना है, इसका इंटीग्रेशन जीरो होता है। अगर आप करोगे साइन टू ओमेगा टी बनेगा, जीरो से लेकर टी तक इसकी लिमिट आएंगी, आप वैल्यूज पुट करोगे इसका आंसर जीरो निकल कर आएगा। आपके पास डी एच इज इक्वल टू, अब इस साइड में इंटीग्रेशन चल रहा है, इंटीग्रेशन डी एच का कितना होगा आपके पास आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में कितना होगा टू होगा, इंटीग्रेशन इसका वन का कितना वन गया टी, और जीरो से लेकर कहा था कि आपके पास में टी तक है, जब सब साइड इंटीग्रेशन आपने करा है, ठीक है भाई। इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी वो टी आएगी और लिमिट जीरो से टी बन जाएगी। इंटीग्रेशन डी एच क्या बनेगा आपका एच बनेगा, और ये बनेगा आपका आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में टू, और टाइम कितना बन गया आपके पास में कैपिटल टी माइनस में कितना होगा जीरो। तो हीट एच जो है आपके पास वो कितना बन गए आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में टू इंटू कितना आपके पास कैपिटल टी, बॉक्स में बंद कर दो आप, ठीक है। अब ये हीट किसमें प्रोड्यूस हो रही है आपके पास, आपने एसी की इक्वेशन यूज की तो एसी में यूज हो रही है। इतनी हीट प्रोड्यूस करनी है आपने कहां पर, आपका डीसी के अंदर प्रोड्यूस करनी है। तो अब आपके पास में टू प्रोड्यूस सेम हीट इन डीसी, अब देखो जी आपसे कहते हैं टू प्रोड्यूस सेम हीट इन डीसी, अगर डीसी के अंदर सेम हीट आपने प्रोड्यूस करनी हो, ठीक है जी। तो डीसी के अंदर अगर आपने सेम हीट प्रोड्यूस करनी है तो आप एच के पे क्या रखाओगे, आई की वैल्यू आर एम एस का स्क्वायर आर टी, आपके पास कितना होगा आई आर एम एस का स्क्वायर, साथ में कितना होगा आर टी इज इक्वल टू कितना आपके पास आई नॉट का स्क्वायर आर, ये साथ में कितना है टी अपॉन में कितना होगा टू होगा। टाइम कितना लिया आप लोगों ने, टाइम पूरा टी लिया आपने, ठीक है जी।
पूरी कंप्लीट साइकिल ली थी आपने। अब क्या होगा, आपके पास आर टी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जो आई आर एम एस है वो कितना निकला आपका, आई नॉट अपॉन में कितना निकला, √2 निकला। तो आई आर एम एस इज आई नॉट अपॉन में √2। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको?